शुरू करें? बिल्कुल। जंतु विज्ञान के प्रोफेसरों से पूछा, पशु चिकित्सकों से पूछा और खुद सिर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में नहीं आया कि आखिर कुत्तों का फायदा क्या है। गाय को लीजिए, दूध देती है, बकरी को देखिए, दूध देती है और मिंगनियाँ भी, लेकिन कुत्तों का क्या फायदा, ये क्या करते हैं? कहने लगे कि कुत्ता तो वफादार जानवर है। अब जनाब, वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बिना दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए, तो हम पूछ ही नहीं भले। कल की ही बात है कि रात के 11 बजे कुत्ते का मन जो जरा गुदगुदाया तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर नमूने के तौर पर एक मिसरा पेश कर दिया। 1 आध मिनट के बाद सामने के कुत्ते ने मतला अर्ज कर दिया। अब जनाब, एक मंजे हुए उस्ताद को जो क्रोध आया, एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भन्ना के पूरी गजल मक्ता तक कह गए, और इस पर उत्तर पूर्व की दिशा से एक काव्य मर्मज्ञ कुत्ता आया और जोरों की दाद दी, और अब तो जनाब वो मुशायरा गर्म हुआ कि कमबख्त कुछ तो 2-2, 3-3 गजलें लिख कर आए थे। एक ने आशु कविताएं पढ़ डाली और इतना गर्म हंगामा हुआ कि ठंडा होने में ना आता था। हमने खिड़की में से हजारों दफा ऑर्डर ऑर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौकों पर सदर की कोई भी नहीं सुनता। अब इनसे पूछें कि श्रीमान, तुम्हें कोई ऐसा ही जरूरी मुशायरा करना था तो नदी किनारे खुली हवा में जाकर काव्याभ्यास करते, ये घरों के बीच आकर सोतों को सताना कौन सी सज्जनता है। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज होते हैं। अक्सर तो इनमें से ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून और कोट को देखते ही भौंकने लगते। खैर, ये तो प्रशंसनीय है, इसका जिक्र जाने दीजिए। एक बात और है कि हमें अक्सर लाठियां लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम, उनके कुत्तों में वो शिष्टता देखी कि आनंद विभोर होकर घर लौट आए हैं। जो जो हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े होकर एक हल्की सी बुह कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम आगे बढ़कर नाजुक सा बुह कर दिया। चौकीदारी की चौकीदारी और संगीत का संगीत। लेकिन एक हमारे कुत्ते न राग न ताल न सुर न पैर, तान पे तान लगाए जाते हैं बेताले गई के, न मौका देखते हैं न वक्त पहचानते हैं, बस गलेबाजी किए जाते हैं। और घमंड इस बात पे कि तानसेन इसी मुल्क में पैदा हुआ। इसमें संदेह नहीं कि हमारे संबंध कुत्तों से थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हमसे कसम ले लीजिए जो ऐसे मौकों पर हमने कभी सत्याग्रह से मुंह मोड़ा हो। शायद आप इसे स्व प्रशंसा समझे, लेकिन खुदा गवाह आज तक किसी कुत्ते पर हाथ उठ ना सका। अक्सर दोस्तों ने सलाह दी कि हमें रात के समय लाठी छड़ी जरूर हाथ में रखनी चाहिए, ये संकट मोचक, लेकिन हम किसी से अकारण दुश्मनी पैदा करना नहीं चाहते। हालांकि कुत्ते के भौंकते ही हमारी स्वाभाविक सज्जनता हम पे इस कदर हावी हो जाती है कि आप हमें अगर उस समय देखें तो निश्चित रूप से यही समझेंगे कि ये बुजदिल। शायद आप उस वक्त ये अंदाज़ा भी लगा लें कि हमारा गला सूखा जाता है। ये अलबत्ता ठीक है, ऐसे मौके पर कभी गाने की कोशिश करूँ तो खरज के सुरों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। अगर आपने भी हम जैसा स्वभाव पाया है तो आप देखेंगे कि ऐसे मौके पर आयतुल कुर्सी आपके दिमाग से उतर जाएगी, उसकी जगह आप शायद दुआए कुनूत पढ़ने लग जाएं। और कभी कभी ऐसा इत्तेफाक भी हुआ है कि रात के 2 बजे छड़ी घुमाते थिएटर से वापस आ रहे हैं और नाटक के किसी न किसी गीत की धुन मन में बिठाने की कोशिश हो रही है। चूंकि गीत के शब्द याद नहीं है और नए नए अभ्यास की अवस्था है, इसलिए सीटी से संतुष्ट होना पड़ रहा है। कि बेसुरे हो भी गए तो ये समझना कि अंग्रेजी संगीत है। इतने में एक मोड़ पर से जो मुड़े तो सामने एक बकरी बंधी हुई थी, और जरा कल्पना देखिए, आंखों ने उसे भी कुत्ता समझा। एक तो कुत्ता और बकरी के आकार का, यानी बहुत ही कुत्ता। बस हाथ पांव फूल गए, छड़ी की गर्दिश धीमी होते होते एक अत्यंत अनुचित कोण पर हवा में कहीं ठहर गई। सीटी का संगीत भी थर थरा कर खामोश हो गया।
लेकिन क्या मजाल जो हमारी थुथनी की शक्ल में तनिक भी अंतर आया, मानो एक बेआवाज लय अभी निकल रही थी। चिकित्सा शास्त्रीय नुक्ता है कि ऐसे मौकों पर अगर सर्दी के मौसम में भी पसीना आ जाए तो सूख ही जाया करता है। चूंकि हम स्वभावतः जरा सावधान है, इसलिए आज तक कुत्ते के काटने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, यानी किसी कुत्ते ने आज तक हमको कभी नहीं काटा। अगर ऐसा हादसा कभी पेश आया होता तो इसे आप बीती की बजाय आज हमारा मृत्युलेख सुनाया जा रहा होता। लेकिन कहूं किससे मैं कि क्या है सगे रहा बुरी बला, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार मरा होता। तो जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने का आग्रह करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम कब्र में पांव लटकाए हुए बैठे हैं। और फिर इन कुत्तों के भौंकने के उसूल भी तो कुछ निराले, यानी एक संक्रामक रोग है। और फिर बच्चों बूढ़ों सभी को ये बीमारी है कुत्तों में। और अगर कोई भारी भरकम दबंग कुत्ता अपने रौब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले, तो हम चाहे अनचाहे कह भी दे कि भाई भौंक, हालांकि ऐसे वक्त में उसका जंजीर से बंधा होना जरूरी है। लेकिन ये कमबख्त दो दो तीन तीन रोज के, दो दो तीन तीन तोले के पिल्ले, ये भी तो भौंकने से बाज नहीं आते। भारी का आवाज जरा सा फेंफड़ा और उस पर भी इतना जोर लगा के भौंकते हैं कि आवाज का कंपन दुम तक पहुंच जाता। और फिर भौंकते हैं चलती मोटर के सामने आके, मानो से वहीं रोक लेंगे। अब अगर ये नाचीज मोटर चला रहा हो तो कतई तौर पर हाथ काम करने से इनकार कर दें, लेकिन हर कोई उनकी जान बख्शी थोड़ी कर देगा। कुत्तों के भौंकने पे मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि उनकी आवाज, उनकी भौंक की आवाज हमारे सोचने समझने की सारी क्षमता को तितर बितर कर देती है। खास तौर पर जब किसी दुकान के तख्त के नीचे से उनका एक पूरा खुफिया जलसा बाहर सड़क पर आकर तबलीग का काम शुरू कर दे, तो आप कहिए होश ठिकाने रहते हैं। एक तरफ बारी बारी ध्यान देना पड़ता है, कुछ उनका शोर, कुछ हमारे विरोध की आवाज होठों ही होठों में बुदबुदाते, बेढंगी गतिविधियां, भाई गति उनकी और विधियां हमारी। इस हंगामे में दिमाग भला खाक काम कर सकता है। हालांकि ये मुझे भी नहीं मालूम कि अगर ऐसे मौकों पर दिमाग काम करे भी तो क्या तीर मार लेगा। बहरहाल कुत्तों की या परले दर्जे की नाइंसाफी मेरे नजदीक हमेशा घृणित रही है। अगर उनका एक प्रतिनिधि शराफत के साथ आकर हमसे कह दे कि श्रीमान सड़क बंद है, तो खुदा की कसम हम नहीं जाएंगे आगे, वापस लौट आएंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हमने कुत्तों की विनती पर कई रातें सड़कें नापने में गुजार दी। लेकिन पूरी सभा का यूं सर्वसम्मति से एकजुट होकर सीना जोरी करना, ये बहुत कमीनी हरकत है। माननीय पाठकों और श्रोताओं की सेवा में निवेदन है कि अगर कोई उनका प्रिय और आदरणीय कुत्ता इस समय यहाँ मौजूद हो या कहीं उनके ख्यालों में मौजूद हो, तो ये निबंध बुलंद आवाज में पढ़ने के लिए मुझे मना कर दिया जाए। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। खुदा ने हर कौम में सज्जन लोग पैदा किए और कुत्ते भी इस नियम का अपवाद नहीं। आपने तपस्वी और करुणामय कुत्ता भी जरूर देखा होगा, आमतौर पर उसके शरीर पर तपस्या के भाव प्रकट होते हैं, जरूर देखा होगा। जब चलता है तो इस विनम्रता और दीनता से मानो पापों के बोझ का एहसास आंख नहीं उठाने देता। दुम अक्सर पेट के साथ लगी होती है और सड़क के बीचों बीच सोच विचार के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है, और शक्ल बिल्कुल दार्शनिकों के जैसी, और किसी गाड़ी वाले ने लगातार बिगुल बजाया, गाड़ी के विभिन्न हिस्सों को बजाया, लोगों से कहलवाया, खुद 10-12 दफा आवाजें दी, तो आपने सिर को वहीं जमीन पर रखे रखे सुर्ख मदहोश आंखों को खोला, परिस्थितिवश एक दृष्टि डाली और फिर आंखें बंद। किसी ने एक चाबुक लगा दिया तो आप बेहद शांति से वहां से उठकर एक गज दूर जाकर लेट जाते, और विचारों की जो कड़ियां यहां से टूट गई थी उन्हें वहां जाकर फिर से जोड़ देते। लेकिन ऐसी छिछोरी चीजों के लिए वो रास्ता छोड़ना फकीरी की शान के खिलाफ समझते हैं। कि कोई साइकिल वाले ने घंटी बजाई तो लेटे लेटे ही समझ गए कि साइकिल है।
रात के वक्त ये कुत्ता अपनी सूखी पतली सी दुम को यथासंभव सड़क पर फैलाकर इससे केवल खुदा के नेक बंदों की परीक्षा प्रयोजन होती है। जहां आपने गलती से उस पर पांव रख दिया तो उन्होंने क्रोधपूर्ण लहजे में आपसे विरोध प्रकट किया। बच्चा फकीरों को छेड़ता है, नजर नहीं आता साधु लोग यहाँ बैठे हुए। बस उस फकीर के श्राप से उसी समय कंपन शुरू हो जाता है और बाद में कई रातों तक यही सपने आते रहते हैं कि बेशुमार कुत्ते टांगों से लिपटे हुए हैं और जाने नहीं देते। आंख खुलती है तो पांव चारपाई की अदवान में फंसे होते। अगर खुदा मुझे कुछ समय के लिए उत्तम शैली के भौंकने और काटने की क्षमता प्रदान करे तो प्रतिशोध का जुनून मेरे पास पर्याप्त मात्रा में। एक शेर है कि उर्फी तू मैदिश जगूगा है रकीबा, आवाज सगा खम न कुनद रेस के गदारा। अर्थात ए उर्फी तू रकीबों प्रतिद्वंदी, ए उर्फी तू रकीबों के शोरगुल से चिंतित ना हो, कुत्तों की आवाजों से भिखारियों की रोजी रोटी में कमी नहीं आती। और हमारे यहाँ राजस्थान में भी एक कहावत है, वो कहते हैं कि कागलारी दुराशीष ऊंट को नहीं मरे। तो ये एक प्रकृति विरुद्ध बात है, पर ये हम एशियाई लोगों के लिए लज्जा की बात है। अंग्रेजी में तो एक कहावत है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकते हुए कुत्ते कभी काटा नहीं करते। ये ठीक सही, लेकिन भाई साहब ये बताइए, कौन जानता है कि एक भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। तो यह है परतस बुखारी साहब का लिखा हुआ, एक प्रख्यात उर्दू के व्यंग्यकार रहे हैं, उनका लिखा हुआ एक निबंध है कुत्ते, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। और उसका इसके अनुवादक जो है वो आफ्ताब अहमद साहब हैं। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में हिंदी उर्दू के व्याख्यात हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। थैंक यू।